हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पेरी पेरी फ्राइज, जो कि बहुत ही आसान है बनाने, बहुत जल्दी बन जाते हैं भी बढ़िया और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने आलू लिए, ये हमने बॉईल कर लिए हैं 5 आलू, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ये हमने ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने से ये होता है कि अच्छे से इसमें कोई दाना नहीं रहता, कोई बड़ा पीस आलू का नहीं रहता, इसलिए हम ग्रेट करते हैं इसको। डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है। 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं नमक। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है आलू। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चकले और बेलन को हमने अच्छे से तेल लगा दिए, रोल कर लेंगे। कट कर लेंगे, फिर हम फ्राई कर लेंगे इसको। मैंने चक्कू पे भी तेल लगाया ताकि ये चिपके नहीं तो ये चिपकेगा अगर आप तेल नहीं लगाते तो। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें फ्राइज डाल देंगे। तो बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। अब आलू का जब मिक्सचर तैयार करें तब उसमें देख लें आप, अगर आलू में कई बार पानी ज़्यादा होता है आलू में तो वो आलू थोड़े नरम रह जाते हैं, तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं अगर और डालें तो, ताकि एक स्टिफ डो बन जाए जिसे आप अच्छे से बेल सकें। ऐसा डो बनाना है हमें, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम ज़्यादा हो सकता है, वो आलू पर डिपेंड करता है आपका आलू कैसा है। तो ये अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे हम और बना लेंगे, ये इसमें डाल देंगे हम। आप आवाज सुन पा रहे होंगे इसकी कितनी क्रिस्पी है। ये पेरी पेरी मसाला है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम ये इसमें लगा के इसको हिला देंगे। ये मसाला हमने इसमें लगा दिया, अब हम इसको सर्व करेंगे। पेरी पेरी फ्राइज बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।